ॐ श्रीमान् महागणाधिपतये नमो नमः। ॐ वाणी हिरण्यगर्भाय नमो नमः। ॐ श्रीं जगन्नाथादि चतुर्धामूर्तये नमो नमः। ॐ नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम् जगन्नाथाय ते नमः। प्रियात्मन, पवित्र अधिमास बड़मास पुरुषोत्तम महात्म्य श्रवण करी आमे कृतार्थ होइछे। आज पवित्र बड़मास एकादश अध्याय आमे श्रवण करिबा। श्रुतौवाच नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयो मुदिरयते मुखं करोति वाचालं पंगुलंगयते गिरी जतकृपां तमहं वंदे परमानंदमाधवं परमानंदमाधवं। सुतौ वाच हे ऋषि गण सावधाने लक्ष्मी माधव उपाख्याने सुनंते पापो जाए नाशो पुराण चरित शेष दिने गोविंदे थीले हसी पूछिले लक्ष्मी हसी हसी। लक्ष्मी उवाच हे देव देव जनार्दन मुख्य प्रभा प्रदाता भगवान अनुसंशय कर दूर हे प्रभु करुणा सागर देवे होइब मल मास के किटे ताहार संदेश कहंतु कहा कु पूजन करिबी कहा पाई दान नमिषारण्य सौनकादि ऋषि मुनिगण मानंकु बसाई स्वयं सकल शास्त्र विशारद सर्व विद्यारे पारंगम सुत कहुचन्ति दिने लक्ष्मी एवं नारायणंकर भितरे कथोपकथन चली। माँ पचारुछन्ति नारायण हे नारायण हे जनार्दन हे ऋषिकेश हे पद्मनाभ आपण तो सबु कथा जानंति सबु कथा करंति सबु आपणंकर सृष्टि रही सृष्टि अति जेबे बड़मास आसिब अधिमास बा पुरुषोत्तम मास आसिब से बड़मास रे आमे कहार पूजा करिबा कहार उद्देश्य रे दान करिबा आमे बोर आमे कौन करिबा कौन न करिबा ताहा मो मन भितरे ए प्रकार भावना आसुची। हे नारायण आपण मते प्रसन्न चित्तरे उदार हृदय रे ए मलमासर कथा को ए मलमासर पूजा ए मलमासर दान पुण्य कौन करिबा कौन कर्तव्य ताहा मते परिष्कार भाव रे बुझाई कुहंतु। विष्णु रोवाच जगत उपकार पाई सुन कमले कहू थाई संक्रांति शून्य मास एही मते उद्देश्य करे देही यही जहा दान लोके मुताहा लभे महा सुखे बड़ मास रे अधिपति पुरुषोत्तम मुहि ख्याति मते चिंतीण करे जे हूँ अखय फल लभे से हूँ। कवार विष्णु अति उदार हृदय चितरे महालक्ष्मींकर मुखारविंदरे प्रश्न श्रवण करी भगवान विष्णु कहुचंति हे महालक्ष्मी तमे जो प्रश्न पचारिछ सारा जगतर कल्याण उद्देश्य रे मु आप आपणंकु कहुछ जगतर कल्याण उद्देश्य रे मुनि ऋषि साधु संत माने भगवानंकर रे पवित्र वाणींकु जहा कहिचंति ता केवल केवल उद्देश्य होची
मानव समाज र कल्याण निमंत्र तेलनुना संसार रे बंदी होई थिबा अमपिरी दिन हीन किंचन घोर संसार भितरे बुडी रही थिवार मनुष्य मानंकर उद्धार निमंते से महालक्ष्मी जो प्रश्न पचारि छंती महाप्रभुता उत्तर दउ छंती कले तुमे ए पुरुषोत्तम मास ए अधिमास ए मासर स्वामी हौ छंती मुई जे जहा करे जे स्नान करू के दान करू के तप करू के दीपदान करू जे जहा कले मध्य मुए मासर देवता मुँ हूँ पुरुषोत्तम वेदेशु पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम हूँ जेपरी लीला पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र साक्षात पुरुषोत्तम हूँ जस्मात् सर्वमिदं प्रपंच सहितं माया जगत जायते जस्मिन् तिष्ठति चांति चांत समये कल्पानुकल्पे मुनाः जन्धत्वा मुनयोः समाधि समितवो शुद्धो वियत् सन्निभं तं वन्दे पुरुषोत्तमं ममाख्य कमलं नित्यं विभुनिश्चलं नित्यं विभुनिश्चलं मते चिंतीन करे जेहु अखय फल लभे सेहु तेणु हे महालक्ष्मी मते जे मासरे पुरुषोत्तमं को चिंता करे जगन्नाथ महाप्रभु को चिंता करे जगन्नाथ ही पुरुषोत्तम अटन लक्ष्मी उवाच हे नाथ मते दया करी कहंतु प्रभु नरहरि सेहि ब्रतर विधिमान जगते करिबे पालन महालक्ष्मी कहुचंति हे प्रभु आपण दयाचितरे उदार हृदय रे मते कुहंतु ए ब्रतर मलमास रे लोकमाने किपरि भावरे ए व्रत विधान करिवे किपरि भावरे व्रत पालन करिवे ताहा आपण मते परिष्कार भावरे कुहंतु जहाँ कि श्रवण करिए जगत जनन ए तेलनुण संसार करुथिबा ए जंजाली बरु संसारी मनुष्य उद्धार पाइबे विष्णु रोवाच संसार उपकार पाई उत्सव करीब मो पाई पुरुषोत्तम रे रे भक्ति जहार जहा थीव शक्ति भविष्य एक बार करी रात्र रे जगी नाम स्मरी कले पुरुषोत्तम मास रे गोटिए दिन पछे हो तमे भविष्य निश्चित करी जेपरी कार्तिक मास रे भविष्य करा जाए कंचा मुग डाली ओ कंचा कदली फुटड़ा हब नाई एवं घृतरे घृतरे घृत टिके पड़ अरुआ चाउल ता सुंदर भाव प्रस्तुत करी भगवान पुरुषोत्तम को तुलसी पकाई ओम नमो भगवते पुरुषोत्तमाय कही पानी छड़ाई प्रभु को जे निवेदन करी ताकू हविश्व हविश्व भोजन करिवो एवं रात्र रे उजागर रही मोर नाम को जे स्मरण करिवो से पुरुषोत्तम मासर अधिमासर मलमासर समस्त पुण्य फल प्राप्त हो पंडित कुलीन सुजान सत्यवादी ते ज्ञान धन हेमंत विप्रंकुहकारी निर्विघ्न कुंभवाची करी आणी तहिरे संपादिव लक्ष्मी सहित जे माधव किपरि करिव ना कुलीन क्षत्रिय ब्राह्मण को डाकिव तांकु घरे विराजमान करिव अष्टदल पद्मटिए मुरुजरे पकेबे पूर्ण कुंभटिए ता भितर तांगु बसेइब बसेइकरि तहिरे लक्ष्मी नारायण को आवाहन करी उपासना करिव बा पूजन पूजन करी ताहंक पूजा विधि जाहा सुन सागर कन्या ताहा कुटुंब सहित भक्ति रे पूजा करिव मध्यान्न रे कले जो पूजा करिवे मध्यान्न समय रे कुंभ बसाई ब्राह्मण को डकाई लक्ष्मी नारायण को यही समय रे सकुटुंब सबांधव सहित समस्त परिवार लोक मान एकत्रित कराई मध्यान समय रे मोर पूजा करिवे ए मंत्र सह आराधिव द्वादश अक्षर वासुदेव षोडश उपचार देही दस पंच वात ही थोई ताहा प्रभु को समर्पिव नैवेद्य भक्ति रे अर्पिव व्रतादि अर्घ्य प्रदान रे अनंत फल लभे भले हे देव देव पुरुषोत्तम भक्त वांछित कल्पद्रुम
अर्घ्य देउ अछि मुहि ग्रहण कर लक्ष्मी साई। सेठारे विराजमान कराई सेठी अर्घ्य प्रदान करी। हे लक्ष्मी माधव, हे वासुदेव, हे पुरुषोत्तम, मु आपणकर प्रीति उद्देश्य रे अर्घ्य प्रदान करुछि, आपण ग्रहण करंतु। पवित्र मने समर्पिव मो जीव पवित्र जे हेव आनंद सहित माधव नहीं जे विप्र करे देव से तांबूल विप्रे देही जे जन ए अनंते करई चुण तांबूल गुण जाहा कहिबा लक्ष्मी एवे ताहा। मते डाकिबो, मते आसन दब, पाद्य दब, पादासन अर्घ्य प्रदान पूर्वक भो धूप दीप नैवेद्य दे परिशेषरे दक्षिणा मध्य प्रदान करिव परिशेषर मुखवासनार्थे तांबूलटे मध्य खाइबाकु दब। तांबूलटिके देई ता मोर मन को संतुष्ट करिव। तेणु महाप्रभु कहउचंती ए तांबूलर महात्म्य कौन। सुण तांबूल गुण जाहा कहिबा लक्ष्मी ए वेदाहा तांबूल पत्रे मो संतोष गुवाक फले प्रीति रास चूर्णे अनल प्रीति हंती खईरे कंदर पर शांति चारि पदार्थ हेले एक मित्रा वरुण लभे सुख तेणु ए तांबूलर दान करी कहिबो सुखे घेन। ए जो तांबूल, ए तांबूलर महात्म्य मध्य महाप्रभु निजे ए मलमास महात्म्य कहिचंदि कले कजो गुवाक फल ताहा तार प्रीति ते द्वारा तार रस द्वारा मु प्रीति होइथा चुन्नरे अनल प्रीति होइथा खैरारे कंदर्प शांति होइथा एवं चारि पदार्थ एकत्रित करी जदि मते प्रदान करिव मु संतुष्ट हे। जेतबले महाप्रभु महानृसिंह आविर्भाव हेले हिरण्यकश्यप को विदारण करिबा पाए सेतबले देवता माने स्तुतिगान कले, मुनि ऋषि माने स्तुतिगान कले, समस्त देवता माने स्तुतिगान करी जेतबले से भगवानंकर से उग्र रूप को संतन करी पारिले महालक्ष्मी को जोगमाया को आवाहन कले। जोगमाया कहिले मु कौन नहीं करी जीवी से भगवान किपरि संतुष्ट हेबे। जोगमाया को जहाँ दुर्लभ वस्तु जहाँ वैकुंठरे मिले ना, जहाँ स्वर्गलोक मिले ना, जहाँ मर्त्यरे मिले ताहा हूँ तांबूल। गोटे तांबूल धरिकी महालक्ष्मी गले एवं से तांबूल को नहीं जेतबले नृसिंह भगवान को देखे देखते से अद्भुत वस्तु को देखी से उग्र रूप शांतलाभ कले। आपण देखिए उत्कल पुरपल्ली लक्ष्मी नृसिंह मूर्ति विग्रह उपासित हमें महालक्ष्मी नृसिंह कूल में विराजमान करेंगे गोटे तांबूल प्रदान करुवे राधा कृष्ण सहित राधा उपासना होता है। राधा गोटे तांबूल धरी कृष्ण को नवेदन करुवे तेणु ता एक दुर्लभ वस्तु जहाँ को प्रदान कले भगवान संतुष्ट हमें प्रीति हमें तेणु तांबूल एमंत प्रकार गुण सब रही तेणु ए तांबूल दान करी कहिव सुखे घेन पछरे दक्षिणा प्रदान तेबे करिव प्रदक्षिण। तांबूल प्रदान करी दक्षिणा प्रदान करी मोर से जो घट बसईव मोर चतुर्पार्श्वरे प्रदक्षिण कर पापहम पापकर्माहम पापात्मा पाप संभव त्राहिमा च विरूपाख्यो सर्व पापो हरो हरि सर्व क्लेशो हरो हरि सर्व दुखो हरो हरि। ये समस्त महाप्रभु को प्रदक्षिण करिबा द्वारा समस्त पाप समस्त दुख समस्त रोग खंडन होइथाय। प्रणाम बारंबार करी नरे संसारे जीवे तरी श्री कृष्ण उवाच सुण कमले अधिमास कथा कहिबा ए विशेष व्रत करीब व्रती नित्य किंबा हविष्य आजचित अबा शरीर शुष्क करी मते भजीव दृढ़े करी। अत्यंत निष्ठार सहित यह एक कष्ट उपवास अटे व्रत अटे तेणु यहाँ जेते निज शरीर को क्षीण कर निज शरीर को संयत कर इंद्रिय मान को संयत कर ये व्रत जे खाइबा पीवा शोवा समस्त आलस्य ए समस्त को त्याग कर ये व्रत जे पालन कर से मोर प्रीति होइथाय। लक्ष्मी उवाच निर्धन मूर्ख दुराचार पर भाग्य रे भाग्य यार आसक्त पशु तुल्य नर ता पाई के हूं तो विचार
कहले अरे आज्ञा आपण सिना सब कथा कहले जहाँ घरे धन पत्र पैसा पत्र थी से ब्राह्मण को डाक लुगा दब पटा दब सुवर्ण दब तिलकांचन दान करूल खाया दब दक्षिणा दब प्रदक्षिण कर जे पर उपरे निर्भरशील जे पर दे खाइब पर मुठे चाउल दे घरे चूली लगे जे दुराचार जहाँ मन भितर कौन सी धर्मर विचार ही ना से कौन कर सी कौन संसार मुक्ति लाभ करना जहाँ संभव थी सक्षम थी से ये व्रत कर सक्षम नथिबो सी आउ करे ना महाप्रभु को पचारुंट महालक्ष्मी आमर मान कल्याण पे आम प्रीते दीन हीन किंचन तेन नुण संसार कर मनुष्य विष्णुवाच जहार नाही किछि शक्ति गोसाधु विप्र सेवा इच्छी हिमास कर जापन लवई से महापुण्य किसी न कले गोमाता सेवा कर ब्राह्मण सेवा एवं करवा द्वारा से महापुण्य लाभ कर साधुर वर्णन भजन दुई लोकर फल दान लक्ष्मी उवाच हे प्रभु देव जनार्दन गोसाधु विप्रंक भजन जे जन ए मासे करई कहा कि फल हुई कले हे प्रभु फेर विष्णु भगवान को पचारुंट महालक्ष्मी कले जे गोमाता साधु संत वैष्णव ब्राह्मण मानकर सेवा कर प्रकार फल प्राप्त हब विष्णुवाच सुण हे देवी गाभी पूजा गाभी ए भुवन मज्जा गाभी अंगरे विशेष भुवन रे चतुर्दश कले गाभी होती गोमाता समग्र ब्रह्मांडर समस्त देवा देवी तंग शरीर भीतरे बास विराजमान करी था पवित्र तूल शरीर सर्वमंगल से गाभीरो गाई पुच्छर समार्जने देहरु जंति रोग माने कले गोमातांकर जो जो पुच्छ लांगुड़ से लांगुड़ जो केश अछि से केश द्वारा यदि शरीर को आमे मार्जना करिबा समस्त प्रकार रोग शरीर रु खंडन होइ थाय गोमय प्रत्यक्ष जमुना गोमय अर्थात गोबर जहाँ प्रत्येक जाग यज्ञादि द्वारा प्रयोजन होता है तेणु से गोमय होती जमुना सदृश गोमूत्र होती नर्मदा सदृश अत्यंत तीर्थ जल नर्मदा सदृश यहाँ क्षीर गंगा सम पवित्र अटे सर्वोत्तम गोमातार जो क्षीर से होती गंगा जल सदृश पवित्र अटे से अत्यंत पवित्र बट गोविप्र देव सती नारी सत्यवकतादिकरि वेद पुराण शास्त्र मान गो अंगे था हे विद्यमान पर उपकारे पुण्य दान गोविप्र पादर सेवन यज्ञर गाई मूल धन दुग्ध घृत कुकरे दान से गाईर प्रत्येक अंग प्रत्येक प्रत्यंग लोम लोम रे देवत तेतीस कोटि देवता विराजमान कर गाईटे नथिले आमे ताठु पयो पृथिव्याम पयो औषधि पै दिव्यम तरीक्ष जो पयो जो अमृत से क्षीर से यदि न बाहर से क्षीर रु घृत बाहरी पार ना एवं घृत न बाहर जाग यज्ञादि आम अनुष्ठित हो पार ना तेणु गोमातार प्रत्येक वस्तु हूँ आमर मंगलमय एवं समस्त कल्याण कार्य साधु सन्यासी जोगी ऋषि गोमाता अधिके प्रशंसी गोधन श्रेष्ठ धन भोली तुम्भ को कमले कहिल जेते धन अछि ए समस्त धन मानक मध्यरे गोधन होचंती समस्त ठारु श्रेष्ठ धन अटे यहांक पूजन स्पर्शन मार्जन तथा प्रदक्षिण कले सकल पापक्षय होई पुण्यर उदय गोमातांकर जे पूजा करे गोमातांकर जे उपासना करे एवं गोमातांगु जे प्रणाम करे तार समस्त प्रकार पापक्षय होई था एवं समस्त पुण्य फल उदय होई था पुण्यवंत होई था देवता प्रसन्न होई था सर्वलोकर पूज्यतमा अमृत दीप दाने मनोरमा हिमल मासे जे ब्राह्मण गाभीर करे प्रदक्षिण
समस्त प्रति प्रपृथि प्रदक्षिण निश्चय करिछि से याण। ब्राह्मण एवं गोमाता एमानंकु जे प्रदक्षिण करिबो तांकु मध्यरे बसाई तांकु प्रदक्षिण कले पृथ्वी विश्व प्रदक्षिण करिवार जो फल ता मध्य प्राप्त होइता। रक्षणे गृहे बड़े धन तसम नाही तीरतन। एवं घरे जदि आमे गोमातांकु रखिबा समस्त घरे सेतबेले गोमाता आमे रखुथा तेणु से धन होउचंती समस्त धनमानंग मध्यरे सर्वोत्तम धन। हीरा नीला मोती माणिक जिते जहाँ धन रखिले मध्य से थेरे लक्ष्मी देवता विष्णु संतुष्ट हमती ना संतुष्ट कौथरे हमती ना गोधन रे। एवं से गोधन जो घरे अच्छी समस्त धन ता घरे परिपूर्ण होइकरी अच्छी। से जही करंती भोजन लक्ष्मी बढ़ंती दिनु दिन। गोमाता जो उठारे भोजन करंती ब्राह्मण जो उठारे प्रत्येक दिन भोजन करे। यदि आमे प्रत्येक दिन ब्राह्मण को आमे प्रत्येक कर्म रे आज आमे भल हला मंद हला श्राद्ध हला मौला हला विवाह हला व्रत हला आमे ब्राह्मण को डाकी भोजन देथा एवं से भोजन द्वारा भगवान संतुष्ट होइथा। एवं तांक जो घरे प्रत्येक दिन ब्राह्मण भोजन होइथाय गोमातांकर पूजा होइथाय गोमातांकु जे प्रत्येक दिन भोजन देथांती तेबे से घरे सदा सर्वदा लक्ष्मी विराजमान करिथाम। एवे कहिबा प्रिय सुण गाभीर दान पुण्यमान। हे माँ तेणु जगतर कल्याण उद्देश्य जगतर कल्याण उद्देश्य माँ जो प्रश्न पचारुथिले माँ समस्त महाप्रभु समस्त कथा बुझे कहउचंती जे अधिमास ए मलमास ए पवित्र पुरुषोत्तम मास रे जद मनुष्य जदि किछि न करि पारला तेबे जे दीनहीन किंचन हेले मध्य से साधारण भाव रे जने ब्राह्मण को दिने ना हो घर को डाकी निजर निज शक्ति रे बल रे अन्न टिके हो जहाँ भी हो पानी गिलास टिए पछे हो श्रद्धार सहित तांकु आमे अर्पण करी तांकु मुंडिया मारी तांकर चतुर्पार्श्वरे प्रदक्षिण करी तांकु आमे प्रणाम करिबा द्वारा मलमासर समस्त पुण्य फल प्राप्त होइथांती। भगवान पुरुषोत्तम जगन्नाथ महाप्रभु संतुष्टि होइथांती। एवं गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तेणु गोमाता को मध्य प्रदक्षिण करिबा द्वारा गोमातांकु भोजन दबा द्वारा गोमातांकु सेवा करिबा द्वारा लक्ष्मी वृद्धि होइथाय घरे अमंगल नाश होइथाय मंगल प्रदान होइथाय। तेणु ए पवित्र मासर ए कथा श्रवण करूछंत। एवे कहिबा प्रिय सुण गाभीर दान पूजा मान। हमति विप्र नारायण से प्रभु पदे देई मन। इति श्री पद्मपुराणक्त मलमास महात्म्यम एकादश अध्याय समाप्तम। कृष्णानंद मुकुंद मुरारे वामन माधव गोविंदम श्रीधर केशव राघव विष्णु लक्ष्मीनायक नरसिंहम। प्रार्थना आमो आनंदर उत्स।